टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप ये हिजाब का मुद्दा है ना, वो सिर्फ मुसलमानों से मत छोड़िए। यही लोग हैं जिन्होंने हुबली में स्कर्ट और जींस पहन के होटल में गई लड़कियों को होटल से होटल में जाके बाल पकड़ के खींच के रस्ते पे मारा था। ये महिलाओं के विरोध में है, महिलाओं की जो पढ़ाई हो रही है उसके विरोध में है। वो हिंदू मुसलमान नहीं, उनको महिलाओं से नफरत है। इस हिंदुस्तान में पहली स्कूल जब लड़कियों की खुली, जब सावित्री बाई ने पहला कदम डाला, तो उसके चिल्ले पीछे चलने वाली थी फातिमा भी। ये इतिहास हम भूल नहीं सकते। लेकिन जिन्होंने सावित्री बाई को पत्थर मारा, ज्योतिबा फुले को पत्थर मारा, वो आज फिर से उठे हैं महिलाओं के खिलाफ और शिक्षण के खिलाफ। तभी भी स्कूल को जगह किसने दी? शायद आपको मालूम नहीं, उस्मान भाई, उसका नाम उस्मान भाई था जिसने ज्योतिबा फुले को स्कूल की पहली जगह दी और पहली महिलाओं के लिए स्कूल उसने खड़ी की। अगर सही में सरस्वती अगर हम हिंदू लोग, तो सही में हमारी सरस्वती सावित्री बाई और फातिमा भी है। लेकिन उनके उसूलों पर नहीं चलना है। जो 500 हजार साल पहले के जो उसूल थे कि महिलाओं ने घर से बाहर नहीं आना चाहिए, एक चौकट में रहना चाहिए, वो चौकट उन्होंने तोड़नी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता अभी। अब हमारी लड़कियां डॉक्टर बनेगी, अब हमारी लड़कियां इंजीनियर बनेगी, अब हमारी लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही है। अब दुश्मन के घर में जाके दुश्मन को मारने का उन्होंने तय कर लिया। 14 प्राइवेट है 14 पायलट। और मैं फक्र से कह सकता हूं कि उनको मौका, उन लड़कियों को मौका शरद पवार जब डिफेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने दिया था। अब लड़कियां आसमान छू रही है, अब उनको रोकने की कोशिश मत करो, तुम रोक नहीं पाओगे। तुम उनसे हिजाब खींच सकते हो, किताब नहीं खींच सकते हो। हम मर जाएंगे लेकिन हमारे किताब नहीं छोड़ेंगे। और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश का पहला फेज खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश का आखिरी फेज कभी है? आखिरी चाहिए 3 मार्च 7 मार्च 7 मार्च तक ये सब तमाशा चलेगा। 10 मार्च सब भूल जाएंगे, हिजाब क्या होता है, जींस क्या होता है, शॉर्ट स्कर्ट क्या होता है, सब भूल जाएंगे। ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव आंख के सामने रख के इस देश में दूरियां बढ़ा है। जो अकलियतों के साथ हो रहा है मेरे दोस्तों, वही खेल क्रिश्चियनों के साथ हो रहा है। बंबई से कितने लोग आए हैं? बंबई में रहने वाले कितने लोग हैं? इधर मुंबई से जिनका संबंध रहा है ऐसा कितने लोग हैं? भिंडी बाजार, माजगांव, उमरखाड़ी, कम हाथ दिख रहे मेरे को, क्रॉफर्ड मार्केट। तो आप लोग क्रिश्चियन लोगों को जानते ही होंगे। बाइकला में सबसे बढ़िया चर्च है उनका, 300 साल पुराना। ये भी बाइकला में रहते हैं। उसके जैसी सुंदर इमारत आज भी मुंबई में किधर की नहीं है। मैं जब भी जाता हूं और चर्च को देखते रहता हूं, क्या बनाया, क्या खूबसूरत है। उनके धर्म में 24 के रात को, जैसे हम ईद के दिन सुबह का फजर का नमाज
बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, वैसे वो 24 के रात के 12 बजे का उनका जो प्रेयर रहता मास बोलते हैं उसको, बाय द नेम ऑफ द फादर एंड द होली स्पिरिट एमेन, वो ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं 24 के रात को। ये बजरंगियों ने क्या किया, बंबई वाले सब रहेंगे तो मैं बताता हूं कि एक सेंटा क्लॉज नाम की चीज है, मालूम है किसी को, सबको मालूम है कि बचपन में बच्चों के सिर के नीचे चॉकलेट रख देते थे और वो जब सुबह पे उठता था तो उसको उसको बोलते थे अरे सेंटा क्लॉज आया था रात को तेरे को चॉकलेट लेके गया, तो बच्चा भी खुश हो जाता था। एक इमेजिनरी फिगर थी खुशियां बांटने वाला आदमी का, खुशियां बांटता है क्या गलत है खुशियां बांटता है, तो वो थोड़ी ना किसी के घर में जाता है, वो तो भारत दुनिया के हर एक घर में जाता था। मेरी बेटी पहले 14 साल उसको सच लगता था क्या सांता क्लॉज घर में आया था, सच लगता था उसको, क्योंकि वो खुशियों का पैगाम ले जाता था कि इस दुनिया से दुख चला जाए और सुख आ जाए, ये सांता क्लॉज का काम था। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने चर्च के सामने जाके सांता क्लॉज को अंगार लगा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे सांता क्लॉज मुर्दाबाद, सांता क्लॉज मुर्दाबाद। अरे चू, अरे मूर्खो, अरे कम से कम समझो तो सांता क्लॉज होता क्या है, उसका और क्रिश्चियन का क्या संबंध है, वो तो लाल रंग के कपड़े पहन के सफेद दाढ़ी वाला टोपी डाल के एक थैली लेके घूमता था। लेकिन दुनिया में अगर सुख बढ़ रहा है, किसी के घर में खुशी है, तो इन लोगों को दुख होता है कि वो दुखी क्यों नहीं, मैं खुश हूं कि नहीं मुझे पता नहीं, कि लेकिन सामने वाला दुखी रहना चाहिए, ये बहुत लोगों के दिल में रहता है।